भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के 177 प्रत्याशियों का किया ऐलान। भाजपा प्रदेश कार्यालय में रहा जश्न जैसा माहौल। भाजपा प्रत्याशियों को फूल माला पहनाने की लगी रही होड़। दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे और पीएम नरेंद्र मोदी के नारों से गूंज उठा प्रदेश कार्यालय। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा शुक्रवार को मध्य प्रदेश के 177 भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद राजधानी भोपाल के प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह था, सभी के चेहरे खिलखिला रहे थे। अपने प्रिय नेता को कोई फूल माला पहनाने में मशगूल था तो कुछ कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे और पीएम नरेंद्र मोदी के नारों से चुनावी माहौल को गर्माने में लगे रहे। भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बयान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समृद्ध मध्य प्रदेश के सपनों को साकार करना साफ झलक रहा था। वहीं भोपाल सांसद आलोक संजर ने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव जीतेगी और आशा व्यक्त की कि शिवराज सिंह चौहान के समृद्ध मध्य प्रदेश के सपनों को साकार करेंगे। वहीं भाजपा के एक पदाधिकारी ने कहा कि जितने लोगों का नाम तय हुआ है वे सभी जीतने वाले प्रत्याशी हैं। भाजपा के एक अन्य पदाधिकारी का कहना था कि प्रत्याशियों के चयन का आधार पार्टी द्वारा कराया गया सर्वे रहा है, कार्यकर्ताओं ने उन पर विश्वास जताया है, ये सभी जीतने वाले प्रत्याशी हैं। वही राजधानी में भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सुरेंद्र नाथ सिंह के समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला, जबकि उनके टिकट कटने के कयास लगाए जा रहे थे। सुरेंद्र नाथ सिंह ने मीडिया के समक्ष कहा कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है और हमारा लक्ष्य समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है। बता दें कि जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं में टिकट वितरण को लेकर कोई गतिरोध नजर नहीं आया, सभी टिकट वितरण को लेकर खुश नजर आ रहे थे। अब सभी की नजरें शेष बची हुई सूची पर टिकी हुई है। ये चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का समृद्ध मध्य प्रदेश का जो सपना है उसको साकार करेंगे, ऐसा मैं आशान्वित हूँ। भारतीय जनता पार्टी पार्टी जो है सोच समझ कर कौन जीत सकता है और कौन नहीं जीत सकता है और क्या है, ये सब सर्वे पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम के आधार पर होता है और हो सकता है कि जो आगे सीटें आए उसमें और लोगों को मौका मिले। निश्चित ही पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, चारों तरफ जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लोकप्रिय नेता है, जननायक है पूरे प्रदेश के, उनके नेतृत्व में हम जो है हमारा जो लक्ष्य है अब की बार 200 पार उसको निश्चित प्राप्त करेंगे। था कि और 200 बार बल्कि लक्ष्य था जिसे हमने प्राप्त किया। 27 विधायक दो मंत्रियों को टिकट दिया। देखिए सर्वे का आधार महत्वपूर्ण था, एक तो सर्वे, दूसरा पार्टी के कार्यकर्ताओं में जाकर ब्लॉक और मंडल स्तर तक जाके पूछताछ की गई तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया गया, सर्वे को आधार बनाया गया है और इसके अलावा जो विभिन्न सूत्रों के अनुसार से जानकारी प्राप्त की कि जो जीत सकता है, तो इस बार जो टिकट का आधार था वो केवल जीतने योग्य प्रत्याशी था, इसीलिए कितनी टिकट कटी ये इसका महत्व तो कम है बल्कि ये महत्व तो ज़्यादा है कि कितने जीतने योग्य व्यक्तियों को टिकट मिली। भाई सर ये सीट आई है आपने कुछ नाम दोहराए, देखिए दोहराना काटना जोड़ना ये आप हिसाब लगाइए। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के आम चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का चयन किया है जो जीतने योग्य हैं और जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पैरामीटर्स पर खड़े उतरे हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खड़े हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता थी जीत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अब की बार 200 पार, वह महज एक नारा नहीं है, वह हमारा संकल्प है, हर कीमत पर हमको चौथी बार सरकार बनानी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 5-7 मापदंड के कुछ बिंदु तय किए थे, मानक तय किए थे, जिनके आधार पर इंटरनल सर्वे कराया जा रहा था और हर सीट पर हमारे पास 2-2, 3-3 सक्षम लोग थे जो चुनाव जीत सकते थे, पर उसमें भी बेस्ट कौन है आज की परिस्थिति में, उस आधार पर चयन किया गया और जिन लोगों का नाम तय हुआ है वो हर एक व्यक्ति जीत करके मध्य प्रदेश की विधानसभा में आएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार।